हाय व्यूअर्स, आज हम आए हैं चिंचवड़ में, पूना में, जहाँ पे ये जावा का फर्स्ट डीलरशिप ओपन हुआ है, एनएसजी ऑटो राइडर्स। और मैं आपको आज इस जावा क्लासिक के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो हमारे सामने खड़ी है ये जावा क्लासिक, विच इज़ अ प्रोटोटाइप। अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोटोटाइप्स हैव अ नंबर ऑन इट, और जैसे इस पे है नंबर वन, सो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटोटाइप। और अब अगर इसके लुक्स के बारे में देखोगे तो ये लुक्स इन्होंने रिटेन किया है ओरिजिनल जावा का, विद द क्रोम प्लेटेड टैंक। आप अगर इसका कलर स्कीम देखोगे तो ये भी ओल्ड जावा से डिराइव्ड है। अगर आप इसकी हेडलाइट डोम देखोगे तो ये भी पूरी ओल्ड जावा से ली है इन्होंने। The only thing is this inverted speedometer. Side panels are again from the old Jawa. Mudguard is from the old Jawa. इसके सीट के बारे में मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि पिलियन राइडर के लिए सीट कंफर्टेबल नहीं है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका रेडिएटर फैन। अगर आप फिर से इंजन को देखोगे, क्रोम प्लेटिंग की काफ़ी डिटेलिंग अच्छी की इन लोगों ने। ब्राइट इंडिकेटर्स again, which is a good which has good illumination even in the daylight, so that's a good job from Jawa. Single horn diya hai, double chahiye tha, company fitted, but pata nahi. Iske brake system aap dekhoge, it has a single channel ABS Biber system. Iske naye models abhi jo launch hone wale hai, delivery ke time pe there is an option for dual channel as well. अगर आप इसका एक बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रोटोटाइप मॉडल में मेन स्टैंड नहीं है, बट देर इज़ अ प्रोविजन फॉर अ मेन स्टैंड ब्रैकेट। इसके टायर्स है MRF नाइलो ग्रिप जैपर्स, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, दे आर वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ ग्रिप, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड आगे भी जैपर्स ही दिए हैं। अगर इसके पावर से कंपेयर करना चाहिए था तो इन्होंने कोई अच्छा ब्रांड विथ सम रेडियल टायर्स, आई एम श्योर इट वुड हैव शूट द कॉस्ट ऑफ द बाइक इटसेल्फ, लेकिन देने चाहिए था, बिकॉज सेफ्टी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट को सेकेंडरी पकड़ा जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स और एनी व्हीकल ऑन द रोड। इसके शॉक ऑब्जर्वर्स आप देखोगे तो दिस इज़ गैब्रियल शॉक ऑब्जर्वर्स, फोक्स इन द फ्रंट, एंड पीछे भी इन्होंने गैब्रियल के शॉक ऑब्जर्वर दिए हैं, आप देख सकते हो। डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिमिलर टू द ओल्ड जावा अगेन। इफ यू और एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो साइलेंसर है इसका, ये जो बेंड पाइप है, ये डमी है। सो इफ़ यू लुक क्लोजली, ये एग्जॉस्ट पोर्ट के यहाँ से बाहर आता है वॉल के यहाँ से, और ये अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर के पास जाता है, एंड वहाँ से दूसरा सेक्शन बाहर आता है, कैटेलिट से आउट जो आता है वो जाता है आपके मफलर्स के पास पीछे। सो ये बीच का जो हिस्सा है साइलेंसर का, जो बेंड पाइप का, इट्स अ डमी पोर्शन। सो दैट्स समथिंग रेवलेशन आई वॉन्टेड टू मेक। अनदर थिंग, इसका जो स्प्रॉकेट है, the ratios, the final drive ratios are good. I've just taken a test ride on the Jawa 42. Gaadi fourth gear se bhi zero ke speed se standstill aage chalti hai, but jo thickness hai sprocket ka, ye thickness kafi matlab ye patla hai, so it appears like jaise re ka jaise sprocket wear out hota hai, tab wo jaise dikhta hai waise dikh raha hai. Aur agar ye finish dekhoge aap to ye finish bhi prototype model hai, to we are hoping that प्रोडक्शन मॉडल्स में फिनिश काफ़ी फाइन होगी, बट ये जावा कंपनी अभी क्लेम करेगी, बिकॉज इट्स अ प्रोटोटाइप, द फिनिश इज़ नॉट एज अप टू द मार्क। सो लेट्स होप द प्रोडक्शन मॉडल्स रोल्स आउट क्विकली, वी हैव बुक टू।